अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदनान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ENG 301 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ENG 301 असाइनमेंट है और स्प्रिंग 2023। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। जो लेसन कवर कर रहे हैं वो 30 से 37 इसके हैं। आपने रीड आउट करना है असाइनमेंट बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक चीज़ें आपने MS वर्ड में बनानी है। करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर करप्ट फाइल होती है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%। अब 100% पर जूम करके ही आपने असाइनमेंट बनानी है। बाज़ दफ़ा हम मोबाइल पर बनाते हैं तो उसका जो जूम होता है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा, तो वो आपने देख लेना है। प्लेजरिज्म से बचना, कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, किसी की कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी। और फ़ॉन्ट जो रखना है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन, और कलर जो रखना है वो ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, वी आर लुकिंग फॉर अ डायनामिक एंड एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर टू ज्वाइन आवर टीम एट ABCL लिमिटेड। द आइडियल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग एंड मैनेजिंग आवर सेल्स टीम और टू अचीव सेल्स टारगेट एंड ग्रो आवर कस्टमर बेस। इसके साथ मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। हम ABC लिमिटेड में अपनी टीम में शामिल होने के लिए मुतहरक और तजर्बाकार सेल्स मैनेजर की तलाश में हैं। मिसाली उम्मीदवार सेल्स का हदफ हासिल करने के लिए कस्टमर को बढ़ाने के लिए हमारी सेल्स टीम की रहनुमाई और इंतजाम करने का जिम्मेदार होगा। तो कुछ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, वो आप देख लें। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। तो इसका जो आंसर है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करनी। आपने जस्ट इधर से आइडिया लेना, ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट ऐसे बनानी है और सॉल्यूशन से आपने आइडिया लेना है और ख़ुद बनाना है। और पहले तो देखिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन किया उसके मतलब कि जो उन्होंने इश्तहार दिया हुआ है उसके रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने लिखा है जॉब टाइटल सेल्स मैनेजर कंपनी ABC, जो भी कंपनी ली उन्होंने ABC लिखी तो आपने ABC आने देना है, ठीक है। लोकेशन मेंशन करनी है, जॉब टाइटल और सॉरी जॉब टाइप। उसके बाद ये वही है कि ABC लिमिटेड इज सीकिंग फॉर अ डायनामिक एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर, जो मैंने ऊपर पढ़ा है, तो आपने इसे देख लेना है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और ये मतलब कि उसके जुम्मे होगा, उसने करना होगा। ये आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। इनसे आइडिया ले लेना है, इनमें चेंजेस कर लेनी है असाइनमेंट्स अपलोड करने से पहले। और ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो उन्होंने लिखी हुई थी वो नीचे मतलब कि उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा हम बताया हो कि 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसके सिमिलर किसी और कंपनी में काम करते रहे हैं ये ऐसे में, और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन लाइक दैट। बाकी चीज़ें आपने देख लेनी है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद एंड पर आपने देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और सॉरी रिक्वायरमेंट जी, ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप एक पुरजोश कार फार्मा सेल्स प्रोफेशनल हैं जो कि आप फ़ायदा मंद और चैलेंजिंग के मौके की तलाश में हैं, तो रिज्यूमे के साथ एक कवर लेटर लिखें और इसे 25 जुलाई 2023 से पहले आगे भेज। तो मुर्गे को आपने इग्नोर करना है, ये साथ वाले पड़ोसियों ने रखा हुआ तो वो दिन रात हमें तंग करता रहता है, तो काइंडली इसे इग्नोर कीजिएगा। तो अभी आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है। उसमें आपने रिज्यूम मतलब जो कि आपकी CV है वो जस्ट आपने सिंपल सा अपना मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ वो आपने उसी को फॉलो करना है, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पहले अपना नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप रहने दीजिएगा, सिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। आगे रिसीवर का नेम लिखना है, आपने रिसीवर की पोजीशन लिखनी है, कंपनी नेम लिखना है ABC जो उन्होंने मैंशन किया हुआ है, कंपनी एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, ठीक है।
आगे फिर रिसीवर का नाम लिख देना, ठीक है। ये आगे अब आप लेटर लिख रहे हैं, इसमें सारा कुछ आपने अपने रिलेटेड डिस्कस किया है, सॉरी डिस्क्राइब किया है कि मैं लाइक कि आप के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, वो सारा कुछ आपने इसके अंदर लिख दिया है। लाइक वैसे तो आपकी जो रिज्यूम होती है वो क्या नाम जी वो सीवी में मेंशन होता है, लेकिन वहाँ पर आपने सीवी पूरी नहीं बनाई, जैसे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है और लेटर के अंदर थोड़ा अपने रिलेटेड डिस्क्राइब कर देना है कि आपकी ये पोस्ट थी, मेरे अंदर ये खूबियाँ, तो मैं मेरी ये रिक्वायरमेंट आपकी ये रिक्वायरमेंट थी, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहा हूँ, और बाकी आप चाहे देख लीजिएगा कि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। ये मैंने काफ़ी बड़ा करके लिखा, लेकिन आपने बिल्कुल शॉर्ट लिखना है, इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख भी लेंगे तो नो इशू, एंड पर आपने देख लेना सिंसियरली और योर नेम जस्ट मैंशन करना है, और असाइनमेंट बना के आपने अपलोड कर देनी है। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स अब तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।